नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनिंग एकेडमी। एक बार फिर आप सभी लोग का आपकी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आपके लिए एसएससी एमटीएस 2018 में आए हुए लेटर एसेस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। साथ ही साथ हमारा जो मेन चैनल है ऑनलाइन गुरुकुल, उसके ऊपर भी प्रैक्टिस हो रही है। डिफरेंस ये है कि जो लेटर यहाँ पर, चूँकि आपको लेटर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है, 2018 का जो लेटर पिछले साल यहाँ पर हिंदी में है वो सेम उस वहाँ पर इंग्लिश में है। अगर वहाँ पर इंग्लिश में कराया जा रहा है तो यहाँ पर वो हिंदी में कराया जाएगा, तो इससे आपकी दोनों प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इंग्लिश में भी काम लेटर्स को करने वाले हैं और हिंदी में भी, दोनों लैंग्वेजेस में भी लिखने वाले हैं। तो इसलिए एक ही चैनल के ऊपर ही मुमकिन है, नहीं तो टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ। 24 तारीख को तो डिस्क्रिप्टिव आपका हाई है, आपके पास में केवल 23 तारीख का समय बचा है। इसी चीज़ों को देखते हुए दोनों चैनल के ऊपर अलग अलग आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। लेटर सेम है लेकिन लैंग्वेज उनकी अलग अलग है। साथ ही साथ 28 तारीख के अलावा जो पिछले साल पेपर आए थे उसके अलावा भी आपके लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आपको सर्वे की एक लिंक दी गई और टेलीग्राम की लिंक दी गई, वहाँ से भी जाके आप चैनल के ऊपर जुड़ सकते हैं, जिससे कि जो भी PDF फाइल होती है वो हम वहाँ पर डाल देते हैं, जिससे कि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए चैनल को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली बार 5 ये हिंदी में भी मैं लेटर आपको कराऊंगा, इंग्लिश में नहीं है। आज हम ये 5 लेटर आपके आए थे, अगर आपको पढ़ने में तकलीफ हो रही है पढ़ने में तो आप देख लें, पिछले साल 28 जनवरी को पेपर हुआ था आपका। लाइब्रेरियन को लेटर एक लिखना था, एक फादर को परमिशन जयपुर के लिए मांगी गई थी, एक अपने फ्रेंड्स को समर छुट्टियों में इन्वाइट करना था, एक रीजनल इलेक्ट्रीशियन ऑफिसर को लेटर लिखना था और एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना था। तो आज हम देखेंगे हिंदी में कि फादर से आप जयपुर में जाने की परमिशन मांग रहे हैं टूर के ऊपर। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर ये फादर से आप परमिशन मांग रहे हो तो ये लेटर का कौन सा टाइप हुआ, ये आपका इनफॉर्मल या फिर अनौपचारिक पत्र हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए हुए। अनौपचारिक पत्र, ये देखिए अनौपचारिक आपके सामने पत्र हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो अनौपचारिक पत्र होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है पत्र का। आप अगर अनौपचारिक पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपका एड्रेस आपका ऊपर आएगा। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होगा, एड्रेस ऊपर आएगा। और एड्रेस लिखने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले जो अनौपचारिक पत्र होगा उसमें सेंडर का एड्रेस आता है, यानी सेंडर का मतलब होता है आप, पत्र भेजने वाले आप हो, आपका एड्रेस आएगा। फिर हम जगह छोड़ के फिर दिनांक लिखेंगे। फिर उसके बाद में अगर औपचारिक पत्र होता है तो रिसीवर का एड्रेस आ जाता है, ध्यान रखिए, जिसको पत्र लिखा जाता है। लेकिन ये चूंकि अनौपचारिक पत्र है, आप अपने जान पहचान में लिख रहे हैं, इसलिए रिसीवर का एड्रेस यानी जहां पर आप लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस नहीं लिखना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसमें दो सॉरी दो चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, एक रिसीवर का एड्रेस जिसको आप पत्र भेज रहे हो, दूसरा और क्या होता है, एक विषय, ठीक है। ये दो चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, औपचारिक पत्र में लिखी जाती हैं लेकिन अनौपचारिक में दो चीज़ें नहीं लिखी जाती, याद रखिएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हम करेंगे, परीक्षा भवन आवासा लिख देंगे। यहाँ पर आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है, तो गलत नहीं होगा। अगर आप चाहें तो अपना यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन आप परीक्षा भवन में बैठ के लिख रहे हैं इसलिए परीक्षा भवन आवासा आप लिख दें अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ कॉमा आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाया तो भी चलेगा, क्योंकि CBSE पैटर्न में कॉमा आपका लगता है लेकिन NCERT पैटर्न में आपका कॉमा नहीं लगता है। और SSC MTS की नोटिफिकेशन में ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया है कि आपको CBSE पैटर्न में लिखना है, ICSE पैटर्न में लिखना है, या फिर उसके बाद NCERT में लिखना है, या फिर किसी और प्रॉपर पैटर्न में लिखना है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आप कन्फ्यूज मत होइए, कॉन्फिडेंट हमेशा रहा करिए। ये परीक्षा मौन आभासा हो गया, फिर आप एक लाइन देंगे। अगर ये देखिए आपको जो पेपर आता है उस पेपर के अंदर साथ ही जो आंसर शीट होती है उसमें, अगर मान लीजिए इस टाइप से लाइन वाली आपकी आंसर शीट आती तो आप एक लाइन को छोड़ देंगे। अगर वो बिल्कुल प्लेन पेपर आता है तो थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे जितना एक लाइन में होता है। और अगर आपके ये ब्लॉक वाले इस टाइप से ब्लॉक वाले आते हैं तो एक ब्लॉक की पूरी लाइन छोड़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। मैंने तीनों पैटर्न आपको बता दिए, क्योंकि लास्ट ईयर SSC MTS में ब्लॉक्स आए थे, सॉरी नहीं आए थे, उसके पहले हमेशा ब्लॉक्स आते रहते थे। तो ब्लॉक्स की भी मैंने प्रैक्टिस कराई है, वो आपको SSC MTS टायर 2 के डिस्क्रिप्टिव के नाम से एक वो बनी हुई है प्लेलिस्ट ऑनलाइन गुरुकुल चैनल पर, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कन्फ्यूज़ मत होइए, मैंने तीनों टाइप की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, साथ साथ बताता चल रहा हूँ कि जिस प्रकार की कॉपी है आप वैसे ही उसको हल कर दीजिएगा। फिर स्पेस देंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, दिनांक 24 नवंबर 2019। जो दिनांक पर आप एग्ज़ाम देंगे वही डाल दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पहले 17 को था फिर 24 को फिक्स हो गया, तो अभी 24 नवंबर 2019 और नवंबर के बाद कॉमा लगाएंगे, ध्यान रखिएगा।
फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे आदरणीय पिताजी, ठीक है, पिताजी के बाद में आप कॉमा लगाएंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सादर चरण स्पर्श कॉमा, आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में हमारे स्कूल की तरफ से जयपुर के टूर का प्रस्ताव है, ठीक है। आप सादर चरण स्पर्श, आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में, अब ये थोड़ा कॉमन सेंस की बातें होती हैं, लेटर आप लिख रहे हो कब, नवंबर में, ठीक है, और उसके बाद में दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में स्कूल जाना है, तो थोड़ा सा एक कॉमन सेंस से आपको मतलब 20-25 दिन का गैप रखना पड़ेगा। ये मत करिएगा यहाँ पर आप डाल दें अक्टूबर में टूर जाना है, नवंबर में लेटर लिख रहे हो, टूर आपका अक्टूबर में जाएगा, या तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएगी जो पिछले कोई पत्र की राइटिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा एक ये लॉजिकल कॉमन सेंस रखिएगा कि वो 15-20-25 दिन का डिफरेंस हो, जो आप लेटर जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हो उससे आगे की डेट का, ये चीज़ों को कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा रखिएगा। कहीं आप यहाँ अगस्त सितंबर लिख दो तो आप 9-10 महीने किसी को लेटर से इंटीमेशन नहीं होता, तो यहाँ पर ये थोड़ी कॉमन सेंस की चीज़ें होती हैं, इनका ध्यान रखना है आपको। दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में हमारे स्कूल की तरफ से जयपुर के टूर का प्रस्ताव है, प्रिय पिताजी इस प्रकार के अवसर कभी कभी आते हैं, मेरी टूर पर जाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा है, स्कूल की तरफ से केवल 25 छात्रों का समूह टूर के लिए चयनित किया जाएगा कॉमा, जिसके साथ स्कूल के शिक्षक एवं अर्म कर्मचारी होंगे। तो ये आपका बॉडी हो गया, बॉडी का जो फर्स्ट पैरा हो गया, फर्स्ट पैरा में आपने अपने पिताजी को ग्रीटिंग्स किया, साथ ही साथ कुछ बताया उनके अपने टूर के बारे में, स्कूल के बारे में, फिर आपको एक आपने ड्राफ्ट चीज़ें क्लियर कर दी फादर को कि आप उनको किस पर्पज से लेटर लिख रहे हो। अब सेकंड पैरा में क्या होगा इसका डिटेल ब्रीफ में हम बताएंगे कि वहाँ पर हम टूर में क्या क्या करेंगे, ठीक है। फिर ये कि सबसे पहले हम उदयपुर जाएंगे, जहाँ पर लाइन छोड़ा मैंने, देखिए सेकंड पैरा स्टार्ट किया, लाइन छोड़ा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जहाँ पर वहाँ की सुंदर झीलों और मंदिरों को देखेंगे। उदयपुर के बाद हम गुलाबी शहर या पिंक सिटी होता ना इसको, गुलाबी शहर बोलते हैं, गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर जाएंगे। जयपुर में प्राचीन स्मारक कौमा मंदिर और कलाकृतियों का अद्भुत संगम है, यहाँ काला लिखा है, यहाँ ध्यान रखिएगा, सॉरी गलती से कलाकृति है, कलाकृतियों का अद्भुत संगम है, जिसको देखने प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में केवल भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। जयपुर से वापस लौटते समय हम दिल्ली में रुकेंगे कौमा, जहाँ पर हम लाल किला कौमा जामा मस्जिद कौमा इंडिया गेट और कुतुब मीनार देखेंगे। फिर स्टॉप लगा दिया आपने। पिताजी कौमा मुझे यह बताने में अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान को भी देखेंगे। अब ये सेकंड पैरा आपका यहाँ पर फिनिश हो गया, और सेकंड पैरा में आपने क्या कर दिया, आपने बता दिया काफ़ी ज़्यादा अपनी एक्साइटमेंट शो करी अपने पिताजी के सामने कि देखिए इस लास्ट वाली लाइन क्या लिखी है, पिताजी मुझे यह बताने में अत्यंत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हम प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान को भी देखेंगे, क्योंकि रेयर चांस होते हैं, ऐसे हर किसी को मौका नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि स्कूल के बच्चे थे इसलिए उनको मौका मिला हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ें हो गई। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट में, अब हम थर्ड पैरा में आ जाएंगे, थर्ड पैरा स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वो देखते हैं कि थर्ड पैरा में अब क्लोजिंग क्योंकि होती है, क्या कर दिया कि प्रिय पिताजी कौमा मुझे पता है कि घर के हालात आर्थिक रूप से इस समय मजबूत नहीं है, ओके, इस समय आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, परंतु इस प्रकार के मौके और अवसर बार बार नहीं आते हैं, स्टॉप, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कामा की टूर पर जाने की मेरी उत्सुकता को देखते हुए आप मुझे टूर पर जाने की अनुमति प्रदान करेंगे, कृपया मुझे पत्र के माध्यम से अतिशीघ्र सूचित करें। अब देखिए काफ़ी लॉजिकल बात लिखी है, बच्चे ने पहले बताया कि मुझे पता है घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि वो बहुत एक्साइटेड है और इस प्रकार के मौके बार बार नहीं आते, इसलिए आप उनको जाने की अनुमति प्रदान करेंगे, तो अनुमति प्रदान करना एक बात होता है, लेकिन एक फाइनेंशियल चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब पैसों की ज़रूरत होती है, और घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद भी वो मांग रहा है, तो और किस प्रकार से एक्साइटमेंट को व्यक्त कर रहा है कि फादर हैं जो ना चाहते हुए भी ये कोशिश करेंगे कि हम मैनेज कर दें, और बच्चा हमारा इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है इन सब चीज़ों के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए हो रहा है, तो इसलिए वो ना चाहते हुए भी, मान लीजिए ना चाहने का इन द सेंस वो नहीं है, यहाँ पर ना चाहने का ये सेंस है कि आर्थिक स्थिति की वजह से मजबूर होने के बावजूद फिर भी वो मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ में मुझे टूर के लिए, और एक चीज़ और लिख दीजिए बच्चे ने, कि कृपया मुझे पत्र के माध्यम से अतिशीघ्र सूचित करें, क्योंकि मुझे टूर के लिए अतिशीघ्र ही एक सप्ताह के अंदर स्कूल में नाम बताना होगा, क्योंकि उसने बताया कि 25 लोगों का समूह जा रहा है, इसलिए जैसे 25 हो जाएंगे वैसे ही फिर दूसरे लोगों के लिए मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप अतिशीघ्र मुझे सूचित भी करते हैं, ये भी लिख दिया है। कृपया मुझे 1200 रुपये
का मनी ऑर्डर भी टूर पर खर्चे के लिए भेजने की कृपा करें। देखिए ये भी लिख दिया कि चूँकि 1000 रुपये तो फीस है वहाँ पर स्कूल जाने की, जो कुछ है वाट एवर, और उसके बाद 1200 रुपये 100-200 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करके 1200 रुपये का मनी ऑर्डर भी पिताजी से मंगा लिया है। तो एक ये संपूर्णता है, कुल मिला के एक छोटे से पत्र के भीतर सारी चीज़ें बोल दी हैं। पिताजी को ग्रीट भी कर दिया है, कहाँ जाना है जयपुर जाना है वहाँ भी बता दिया, जयपुर जाने के साथ में जाने और आने में कहाँ कहाँ घूमोगे वो बता दिया, और उसके बाद में पैसे के लिए भी बोल दिया है, साथ में रिप्लाई वापस के लिए बोल दिया, ये भी बोला है, इंसिस्टेंस किया हुआ है कि क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन से वो घर की बहुत अच्छी तरीके परिचित है, लेकिन चूंकि इस प्रकार के मौके बार बार नहीं आते इसलिए प्लीज़। तो ये सारी चीज़ें एक छोटे से पत्र में संगम हो गया अच्छी तरीके। यही चीज़ें क्या एग्जामिनर को इम्प्रेस करते हैं कि आपने कई बिंदुओं से सोचा, आपने जब पत्र लिखा तो आपने कई बिंदुओं से सोचा, एक नॉर्मल सर नहीं लिख दिया कि मुझे ज़रूरत है मुझे भेज दीजिए, कि कई बिंदुओं से सोचा। तो यही चीज़ें कि इंप्रेसिव होती है और स्कोरिंग ऑफ नंबर्स होती है आपकी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर क्या लिखते हैं आगे, पत्र की समाप्ति आपके उत्तर की अतिशीघ्र कामना से करता हूँ। ये देखिए ये भी लिखते हैं कि मैं पत्र की समाप्ति कर रहा हूँ लेकिन अपने आपका उत्तर बहुत ही शीघ्र चाहता हूँ। फिर लाइन छोड़ दी, पत्र आपका फिनिश हो गया। माता जी एवं दादा जी को चरण स्पर्श, ठीक है, एवं छोटे भाई को हृदय से प्यार पहुँचे। देखिए ये क्लोजिंग करके लास्ट वाली लाइन में लिख दिया। फिर आपका पुत्र, यहाँ पर जैसे कि अगर माताजी नहीं होती तो फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या उस टाइप की आप लिखते थे, देखा होगा ना, अगर प्रिंसिपल को लिखेंगे लाइब्रेरियन को लिखेंगे योर, आपका भौधी कहीं पर जैसे संपादक में लिख देते भौधी लिख देते हैं, और उसके बाद में आप मान लीजिए उनको लिखेंगे क्या अपना, मान लीजिए आप स्कूल में प्रिंसिपल को लिखेंगे तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपके आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ फादर को लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख दिया कि माता एवं दादाजी को सादा चरण स्पर्श एवं छोटे भाई को हृदय से प्यार पहुँचे, सबका उन्होंने बता दिया, क्लोजिंग कर दी है। स्टॉप लगाने के बाद फिर आपका प्रिय पुत्र, कॉमा लगाया आबासा, यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ आबासा डाल देना है। तो इस प्रकार आपने देखा कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ स्टॉप लगाना है, कहाँ आपकी लाइनों में गैप छोड़ना है, ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। तो ये इसका हिंदी वर्जन था, इसका इंग्लिश वर्जन अगर आपको चाहिए तो सेम लेटर का इंग्लिश वर्जन हमारे ऑनलाइन गुरुकुल चैनल पर है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। साथ में इस चैनल के ऊपर उसको हिंदी में, जो वहाँ पर इंग्लिश में वो यहाँ पर हिंदी में आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको लेटर पसंद आएगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।